शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आपने सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सुना ही होगा और सेल्फ ड्राइविंग कार का नाम आते ही आपके मन में सबसे पहले ख्याल आएगा टेस्ला का। वैसे दूसरे कंपनीज भी इसके ऊपर में काम करते हैं और आपको मैं एक लेटेस्ट न्यूज़ ये दे देता हूँ कि सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर का भी इंट्रोडक्शन हो चुका है। सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर भी अभी मार्केट में कुछ ही दिनों में आने वाला है और इसे CES में शोकेस भी किया गया है। वैसे मैं इसके ऊपर में बहुत ही जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ और इसी CES पे कलर चेंजिंग कार को भी दिखाया गया है BMW की तरफ से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंडियन स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे जो सेल्फ ड्राइविंग कार के ऊपर में काम कर रहे हैं और ये लोग इंडियन कंडीशन को ध्यान में रख के अपने सेल्फ ड्राइविंग कार को डेवलप कर रहे हैं और ये कार जो होगा वो ऑल टेरेन कार होगा, यानी कि आप इसे कहीं पर भी ले जाओ ये काम करेगा। और इस स्टार्टअप का नाम है -0 और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनके अचीवमेंट्स न्यूज़ मीडिया में देखने को मिलेगा आपको, अगर इनको ब्रेकिंग न्यूज़ से फुर्सत मिले तो। इस स्टार्टअप के सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में बताने से पहले मैं आपको सेल्फ ड्राइविंग कार की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आप अंतर कर पाओगे कि इस इंडियन स्टार्टअप के सेल्फ ड्राइविंग कार और दूसरे कंपनी के सेल्फ ड्राइविंग कार में कितना अंतर है। तो किसी भी सेल्फ ड्राइविंग कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदौलत ही कोई भी कार सेल्फ ड्राइविंग बन पाता है। तो किसी भी सेल्फ ड्राइविंग कार में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो देखने को मिलेगा और जिस तरह छोटे बच्चों को बचपन में पढ़ाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी सिखाना पड़ता है डाटा के हेल्प से। सेल्फ ड्राइविंग कार में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है उनको भी ये सिखाया जाता है कि कार को कैसे चलाना चाहिए, अगर कोई ऑब्स्टिकल सामने आ जाता है तो किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, सब कुछ इनको डाटा के हेल्प से सिखाया जाता है। जिस तरह से ड्राइविंग स्कूल में टीचर एक स्टूडेंट को सिखाता है उसी तरह AI को भी सिखाना पड़ता है। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, टेस्ला ऑलमोस्ट 3 बिलियन माइल्स का डाटा इस्तेमाल करता है और इसी तरह दूसरे कंपनीज भी डाटा का इस्तेमाल करके अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाते हैं, फिर जाके उनका कार सेल्फ ड्राइविंग बन पाता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम इसमें यह आ जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। इंसान सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेल्फ लर्निंग करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे ऐसा नहीं है कि सेल्फ लर्निंग वो कर नहीं सकते लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनको मुश्किल होता है और इसी के कारण अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाटा कम मिले तो वो लोग एक्यूरेट नहीं हो पाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलतियां कर सकती है। और क्योंकि टेस्ला मैक्सिमम डाटा अमेरिकन रोड कंडीशन का लिया है तो अगर वो लोग इंडिया में अपने कार को लॉन्च करते हैं तो उनका जो कार है वो अमेरिकन रोड्स में जिस तरह से परफॉर्म करता है वैसा शायद ही इंडियन रोड में वो परफॉर्म, क्योंकि ये चीज़ तो आपको भी पता होगा कि इंडियन रोड और अमेरिकन रोड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया में अगर आप बड़े शहरों में जाओगे तो वहाँ पे जाके आपको रोड कंडीशन अच्छे मिलेंगे लेकिन 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ में आपको अच्छे रोड कंडीशंस वैसे तो नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है लेकिन इंडिया में और थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंडिया के रोड के कंडीशन को देख के अगर कोई भी कंपनी सेल्फ ड्राइविंग कार को डेवलप करता है तो वो पूरे वर्ल्ड के जो सेल्फ ड्राइविंग कार का मार्केट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेगा। आपका इसमें क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने में जो कंपनीज़ फॉरेन डाटा का इस्तेमाल करके इंडिया में अपने कार को लॉन्च करते हैं उनका गाड़ी किस तरह से परफॉर्म करता है। वैसे वो कंपनीज़ अगर इंडिया में आते हैं तो वो लोग इंडिया का डाटा तो इस्तेमाल करेंगे ज़रूर, लेकिन फिर भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे ये लगता है कि इस स्टार्टअप ने इसी प्रॉब्लम को देखा और इन लोगों ने अपना सेल्फ ड्राइविंग कार डेवलप करने लगे। और इनका जो AI है वो नेचर इंस्पायर AI है और इसको कम से कम डाटा चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट 20,000 miles, यानी कि आप अगर किलोमीटर में देखोगे तो 32,000 kilometer का डाटा सिर्फ इनको चाहिए। और आप इस गाड़ी को कहीं पर भी ले जाओ, किसी भी रोड कंडीशन में ले जाओ वर्ल्ड के, आप वहाँ जाके इस गाड़ी को सेल्फ ड्राइविंग करवा सकते हो क्योंकि इसको सबसे कम डाटा चाहिए, ऑलमोस्ट 20,000 miles यानी कि 32,000 kilometer का ही सिर्फ इनको डाटा चाहिए। और ये नेचर इंस्पायर AI वैसे ही काम करता है जैसा हम लोगों का दिमाग काम करता है, यानी कि सेल्फ लर्निंग ये AI करता है। और यहाँ जो डाटा कलेक्शन का झमेला है वो नहीं होता है, जैसे कि आप टेस्ला को देखोगे तो उनको 3 बिलियन miles का डाटा चाहिए लेकिन इनको सिर्फ 32,000 kilometers का ही डाटा चाहिए, तो काफ़ी डिफरेंस यहाँ पे है। और इसी के कारण R&D में इनको सबसे कम पैसा लगेगा, इनको R&D में सबसे कम पैसा लगाना पड़ेगा।
और फिर कार का कॉस्ट कम करने के लिए इन लोगों ने लीडर का इस्तेमाल नहीं किया है। आप किसी भी सेल्फ ड्राइविंग कार को देखोगे तो वहाँ पे लीडर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ये लीडर आप इस इमेज को देख के समझ सकते हो कि लीडर क्या होता है। ये लीडर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है और ऑलमोस्ट एक लीडर का कॉस्ट है 9 लाख रुपया। आपको 9 लाख में इंडिया में टाटा का कार ही एक मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक लीडर का कॉस्ट ऑलमोस्ट 9 लाख रुपया है। तो आप सोच ही सकते हो कि सेल्फ ड्राइविंग कार का इतना पैसा क्यों होता है, उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनका ही इतना बड़ा कॉस्ट होता है। तो इस कॉस्ट को कम करने के लिए इन लोगों ने फोकस कैमरा सेंसर का इस्तेमाल किया है। और ये जो फोकस कैमरा सेंसर है ये 2D इमेज प्रोवाइड करता है, लेकिन इनका जो सॉफ्टवेयर है ये उस 2D इमेज को कन्वर्ट करता है 3D में, फिर जाके इनका जो फोकस कैमरा सेंसर है वो और लीडर में कोई भी अंतर नहीं रह जाता है। लीडर जैसे ही इनका फोकस कैमरा सेंसर काम करने लगता है, फिर इन लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि सॉफ्टवेयर ऑन द स्पॉट ये डिटेक्ट कर लेता है रोड का कंडीशन क्या है, चलाने लायक है या नहीं। अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ ड्राइव कर लेगा ये करिए, अगर नहीं तो ये ड्राइवर को ये कहेगा सेल्फ ड्राइविंग करना पॉसिबल नहीं है। तो इससे इंडिया का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, आपने ये काफ़ी बार देखा होगा कि कोई भी इंडियन रोड में आपको वो जो व्हाइट कलर का पट्टी एक देखने को मिलता है, एक बॉर्डर जो रोड में होता है व्हाइट कलर का, वो मोस्ट ऑफ द रोड्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो कोई भी सेल्फ ड्राइविंग कार उसी को डिटेक्ट करके अपना सेल्फ ड्राइव करता है। तो इस सॉफ्टवेयर के कारण इनके जो सेल्फ ड्राइविंग कार है इसको रोड में जो मार्किंग है उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, और इसी के कारण इनका जो कार है वो ऑल टेरेन कार बन जाता है। आप इसे कहीं पर भी ले जाओ ये वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, इन लोगों ने इसे सक्सेसफुली टेस्ट भी किया है। सेकेंड वेब से पहले इन लोगों ने अपने जो सेल्फ ड्राइविंग कार है उसको टेस्ट किया। हालांकि इनके पास पैसे कम थे तो इन लोगों ने सबसे पहले ई रिक्शा को रेंट पे लिया, फिर जाके इन लोगों ने उस ई रिक्शा में अपना जो सिस्टम है उसको इंस्टॉल करके फिर जाके उन लोगों ने इसे टेस्ट किया। ये आप वीडियो देख सकते हो अपने स्क्रीन में, ये उनके यूट्यूब चैनल में ही अपलोडेड था, मैंने वहाँ से लेके आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। और आपको अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, तो फ्यूचर में आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आने वाले टाइम में ये लोग मार्केट में अपने सेल्फ ड्राइविंग कार को जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस करें। वैसे आपका इसमें क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।